So today we are going to study derivative of inverse trigonometric functions. The last video में हमने simple functions का derivative देखा था. अगर कभी भी हमारे पास functions product, quotient या फिर chain या फिर composite functions given थे trigonometric और simple functions, तो हमने उनका derivative करना सीखा था. तो आज के video में हम सीखेंगे how to find the derivative of inverse trigonometric functions. तो जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव ऑलरेडी हमने देखे हुए हैं कि क्या होते हैं, हमने लर्न किए हुए हैं, वैसे ही हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी डेरिवेटिव्स हैं, जो पहले हम लर्न करेंगे और फिर आगे हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं और दूसरे फंक्शंस का. तो जो डेरिवेटिव होता है साइन इनवर्स एक्स का, दैट इज गिवन बाय 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. जो डेरिवेटिव होता है कॉस इनवर्स एक्स का, अगेन यहाँ पर वही हम याद रखेंगे दैट ऑल द कोस, जो भी कॉस इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, सारे ही कोस के डेरिवेटिव नेगेटिव आएंगे. तो जो भी साइन इनवर्स का डेरिवेटिव है उसी का नेगेटिव कॉस इनवर्स डेरिवेटिव होता है. सेकेंड वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. तो कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन द सेम थिंग जो हमारे पास सेकेंड वर्स का डेरिवेटिव था. tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर एंड cot इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. ये डेरिवेटिव्स कैसे आए हैं, इनको प्रूफ किया जा सकता है, एनसीईआरटी में इनके प्रूफ्स गिवन हैं. अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको प्रूफ करके अलग वीडियो में दिखा दूंगी, बट अभी के लिए आप इनको लर्न कीजिए ऐसे ही. तो ये डेरिवेटिव हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हैं, इन्हीं की हेल्प से हम और दूसरे फंक्शंस के डेरिवेटिव्स निकालेंगे. ऑल्सो बहुत बार ऐसा होता है कि फंक्शन हमारे पास सीधा ये नहीं दिख रहे होते साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, कुछ अलग फॉर्म दिख रही होती है जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से भी रिड्यूस कर सकते हैं फंक्शन को. जैसे हम बहुत बार पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिगो में टैन इनवर्स ऑफ कुछ लिखा है अंदर, फॉर एग्जाम्पल 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो हम क्या करते थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमेशा पहले सिंप्लीफाई करते हैं और उसी के बाद डिफरेंशिएट करते हैं. तो अगर आपके पास ऐसी फॉर्म है तो आप सोचोगे टैन कैसा, कौन सा फॉर्मूला है. सो ऑब्वियसली टैन 2 थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास, तो एक्स को टैन थीटा सब्स्टिट्यूट करने से आप इसको रिड्यूस कर पाओगे. तो वही सेम लॉजिक हम यूज करेंगे यहाँ पर भी, दैट इफ यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट अ फंक्शन डायरेक्टली, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहले हम सिंप्लीफाई जरूर कर लेते हैं और फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं. सो अगर कभी भी आपको ये फॉर्म दिख रही है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमने पढ़ा था एक्स को हम साइन थीटा या कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बिकॉज इट विल ऑलवेज रिड्यूस द फंक्शन बाय दिस आइडेंटिटी. वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1. तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स को साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करने का मतलब है ये इसको बना देगा cos square theta, एंड देन फिर हम इसको बाहर निकाल पाएंगे रूट से, राइट. तो यही सेम चीज है यहाँ पर भी है. अगर x आपके पास रूट ऑफ कहीं पर दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x tan theta या cot theta फॉर द सेम आइडेंटिटी 1 प्लस tan square theta इज sec square theta एंड 1 प्लस cot square theta इज cosecant square theta, वो यूज कर सकते हैं. इसीलिए हम इसको tan theta या cot theta substitute करते हैं. ऐसे ही अगर root x square minus 1 दिख जाता है, तो हम x को sec theta और cosec theta substitute करते हैं. अब एक मिनट आप इधर देखिए, जब हमारे पास ये फॉर्म है under root 1 minus x square, तो आप इसको याद कर सकते हो. देखो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में क्या आता है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर से ही तो ये रिड्यूस होकर बना है. वो सब्स्टिट्यूशन यही करके हम इसका डेरिवेटिव भी निकालते हैं. इसलिए आप इसको डायरेक्ट ऐसे लर्न कर सकते हैं कि अगर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो वो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव में आता है. देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स में आता है, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 sec और सेकेंड वर्स ऑफ सेकेंड वर्स में आते हैं. जस्ट लर्न करने के तरीके हैं. देन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर हमारे पास हो तो क्या होगा, तो ये सेम ही आइडेंटिटी मुझे हेल्प करेगी जो अभी हमने देखा. देखो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही 1 होता है, इसके साथ कोई इधर मल्टीपल नहीं होते आगे,
राइट तो अगर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और अगर आप एक्स को सब्सटीट्यूट कर दोगे ए साइन थीटा तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो उससे हेल्प क्या हुई कि ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाता है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. नाउ वी कैन इजिली टेक दिस आउट ऑफ द रूट. दैट इज वाई जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा तो एक्स को सब्सटीट्यूट करेंगे ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा. वही सेम चीज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के लिए, जब वन प्लस एक्स स्क्वायर था एक्स को टैन थीटा सब्सटीट्यूट किया था, अगर ए स्क्वायर है तो एक्स को ए टैन थीटा सब्सटीट्यूट करो, ए टैन थीटा और ए कॉट थीटा जो भी वर्क कर रहा है क्वेश्चन में. एंड सेम फॉर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए एक्स को ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा हम सब्सटीट्यूट कर देंगे. ऑल्सो हमने ये भी देखा था सब्सटीट्यूशन इनवर्स ट्रिगो में ही सिंपलेस्ट फॉर्म जब हम पढ़ रहे थे, जब भी हमारे पास वन प्लस माइनस एक्स दिखता है तो हम एक्स को हमेशा कॉस टू थीटा सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, बिकॉज जैसे ही कॉस के साथ हमें वन दिखेगा वी यूज कॉस टू थीटा फॉर्मूला टू एलिमिनेट वन. तो वही यहाँ पर सेम चीज है, इधर आप एक्स को सब्सटीट्यूट कर लेंगे कॉस टू थीटा, बट अगर वन की जगह ए आ जाएगा तो मुझे वही फॉर्म बनानी है कि cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा ऐसा ही दिख जाए. तो x को हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं a cos 2 थीटा, सो दैट a आपका कॉमन आए और अंदर बच जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा या 1 माइनस cos 2 थीटा. अगेन यू कैन ऑलवेज सिंप्लीफाई दैट बाय cos 2 थीटा फॉर्मूला टू एलिमिनेट 1. जब भी हमारे पास 1 माइनस x स्क्वायर या 1 प्लस x स्क्वायर ऐसा कोई फॉर्म था, तब भी हम देख रहे थे कि हम x स्क्वायर को सब्सटीट्यूट कर लेते थे cos 2 थीटा, क्योंकि वो फिर अगेन यही बना देता है 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 1 माइनस cos 2 थीटा, या फिर ऊपर नीचे साइन हो सकते हैं, वो डिफरेंस क्रिएट नहीं करता. तो इस केस में भी हम ये देखते हैं कि x स्क्वायर को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं cos 2 थीटा, क्योंकि ये फॉर्म हमें रिड्यूस करनी बहुत अच्छे से आती है. और अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो हम क्या करते हैं, ये और नीचे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये पूरा होना चाहिए तभी ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है, नहीं तो अगर सिंगल सिंगल फंक्शन हो तो फिर जरूरत नहीं होती, तब कुछ और भी किया जा सकता है. अगर सिर्फ न्यूमरेटर है तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो तो हम इधर से कर रहे हैं, देख रहे हैं आप टैन ए टैन थीटा से, ये पूरी फॉर्म दिखेगी ऐसी तभी आप ये यूज करेंगे. तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम लाना वही चाहते हैं कि cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा ही हेल्प करेगा उसमें, तो x स्क्वायर पूरे को a स्क्वायर cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ताकि a स्क्वायर दोनों में से कॉमन आए और अंदर बचे 1 प्लस cos 2 थीटा. तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे हम फिर से इनको डिस्कस करते रहेंगे, बट दीज आर दी सब्स्टिट्यूशन दैट वी हैव डिस्कस्ड इन इनवर्स ट्रिगो ऑल्सो. And here also we are going to use to find the derivative of the functions. So, aaj hum log start karte hain with finding the derivative of inverse trigonometric functions. Okay. So, before starting, ek cheez aur mind mein rakhenge. Algebra of humne jo differentiation padha hai, derivatives ka padha hai, wo same hi rahega. Do function addition mein hai, product mein hai. क्वेश्चन में है, तो जो रूल्स हमने पढ़े हैं वही लगाएंगे, क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल, या फिर अगर कॉम्पोजिट फंक्शंस हैं तो चेन रूल, ये सब हम वही सब उसी तरीके से करेंगे. ओनली ये फंक्शन और आ गए हैं जिनके डेरिवेटिव्स हमें गिवन है. तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स के रिस्पेक्ट में इनको डिफरेंशिएट करना है. तो फर्स्ट फंक्शन है कॉस इनवर्स साइन एक्स. तो जब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हो कॉस इनवर्स साइन एक्स का, तो आप सबसे पहले देखेंगे क्या ये एक फंक्शन दिख रहा है, प्रोडक्ट फंक्शन, प्रोडक्ट में है फंक्शन या कैसे फंक्शन है. तो आप देख सकते हो कॉस इनवर्स के एंगल में साइन लिखा है. सो बेसिकली दिस इज कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन के कॉम्पोजिशन से बना है. एक तो कॉस इनवर्स एंड एक साइन एक्स, राइट, कॉस इनवर्स थीटा और साइन एक्स, ऐसे हमारे पास कॉम्पोजिशन से बना है. तो हमें पता है अगर कॉम्पोजिशन से फंक्शन गिवन होता है तो हम हमेशा उसका डेरिवेटिव निकालते हैं यूजिंग चेन रूल. क्या था चेन रूल, बाहर से अंदर की तरफ डिफरेंशिएट करेंगे. तो पहले देख लेंगे बाहर कौन सा फंक्शन है, तो बाहर साइन फंक्शन है पहले, एंड देन फिर उसके अंदर हमारे कॉस फंक्शन, सॉरी कॉस इनवर्स फंक्शन है, और फिर उसके अंदर हमारे पास साइन फंक्शन है, राइट. हमें अंदर तक जाना होता है
एक्स तक, बाहर से अंदर की तरफ, तो सबसे पहले कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव करेंगे, राइट? तो अभी हमने सीखा कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो डेरिवेटिव था कॉस इनवर्स एक्स का. यहाँ पर डेरिवेटिव करना है कॉस इनवर्स साइन एक्स का. सो बेसिकली आप कर क्या रहे हो, आप पहले कॉस इनवर्स को साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो. थोड़ा रिकॉल कराने के लिए मैं साइड में लिखूंगी यहाँ पर, बट करेंगे हम डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट. पहले कॉस इनवर्स को ही डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, बट किसके, साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, राइट? एंड देन फिर हम साइन एक्स को कर देंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट? यही करते हैं, यही हमारे पास चेन रूल है कि पहले कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव करेंगे एंड देन फिर साइन का डेरिवेटिव करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव होता है माइनस वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ पर एक्स होता, बट यहाँ पर क्या है, साइन एक्स, तो रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया कॉस इनवर्स का, तो हाइड कर लेंगे. अब करना है साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो इन टू साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, कॉस एक्स, राइट? तो ये आपका डेरिवेटिव हो गया. बट डेरिवेटिव हो जाने से अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, हमेशा पूरा सिंप्लीफाई करके आंसर देना है. तो ये हम लिख सकते हैं एज माइनस कॉस एक्स अपॉन रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, एंड दिस कैन बी रिटन एज माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स. बाहर निकाल देंगे, वही हमारे पास क्वाड्रेंट एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है कुछ नहीं गिवन, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेकर चलते हैं और सीधा ही उसको बाहर निकाल लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू इसकी बाहर निकालते हैं. द आंसर हियर इज माइनस वन. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. y is equals to tan inverse x by a, इसको डिफरेंशिएट करना है. अब अगेन देखना है कि एक सिंगल फंक्शन है या कॉम्पोजिट फंक्शन है, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस है. तो आप देख सकते हैं एक तो tan inverse फंक्शन दिख रहा है, तो tan inverse फंक्शन दिख रहा है और फिर उसके अंदर एक और फंक्शन दिख रहा है विच इज x by a. तो बेसिकली ये दो फंक्शन की हेल्प से बना है, वन एंड देन फिर हमारे पास है ये टू, राइट? तो जब डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे करना है, dy by dx is equals to, पहले करेंगे tan inverse का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x by a कर रहे हैं, ये आपके लिए अभी लिख रही हूं बिकॉज चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं, एंड देन फिर हम करेंगे x by a का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. ये कर रहे हैं हम यहाँ पर. तो पहले करते हैं tan inverse का डेरिवेटिव, ये स्टेप लिखना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करिए. तो डेरिवेटिव करेंगे tan inverse x का डेरिवेटिव होता है 1 upon 1 plus x square. तो tan inverse x by a का क्या होगा, 1 upon 1 plus, उधर सिर्फ अगर x होता था तो x square होता था, यहाँ पर x by a है तो x square by a square, right? इनटू किसका डेरिवेटिव करना है, x by a का डेरिवेटिव. तो x by a हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर कभी भी कांस्टेंट इनटू अ फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालना है, या फंक्शन अपॉन अ कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो कांस्टेंट एज इट इज रखो, ओनली डेरिवेटिव करो फंक्शन का, इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट एज अगर आप प्रोडक्ट रूल या क्वोशेंट रूल लगाते. तो यहाँ पर 1 by a as it is रखेंगे, डेरिवेटिव करेंगे x का. And what is the derivative of x? 1. Right? तो इसको अब हम differentiate कर चुके हैं, तो अब इसको simplify करते हैं. So मैं यहाँ पर LCM ले लूंगी, यहाँ पर इसका LCM लेंगे, तो 1 upon a square plus x square by a square into 1 by a है, and this a square will go in the numerator, इसको यहाँ ले जा सकते हैं, राइट? सो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, सो योर आंसर इज गोइंग टू बी a अपॉन
a square plus x square. This is your answer. Right? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. y is equals to x second was x. इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है. तो पहले देखिए कैसा फंक्शन है. आपको दो फंक्शंस दिख रहे हैं और वो दोनों ही फंक्शंस किस में है, प्रोडक्ट में है. फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन. तो जब भी प्रोडक्ट में फंक्शन देखेंगे हमें पता है डिफरेंशिएट करना है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा. तो पहले प्रोडक्ट रूल लगाते हैं. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन. ध्यान से लगाना है प्राइम जिसके भी ऊपर लगा रहे हो डैश, क्योंकि उसी का डेरिवेटिव हम नेक्स्ट स्टेप में लेंगे. सो दिस गिव्स यू x सेकंड वाज x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1. यहां पर सेकंड वाज x एज इट इज और x का डेरिवेटिव मतलब x टू द पावर 1 से करेंगे तो दैट इज ओनली 1. सो ये अगर आप सिंपलीफाई कर दोगे तो x x से कैंसिल हो जाएगा. सो दिस गिव्स यू 1 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 प्लस सेकंड वाज x. इजी. बस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव हमें नोन होने चाहिए. बाकी तो हम वही कर रहे हैं, क्वोशेंट रूल, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, वही सब अप्लाई कर रहे हैं जो लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है y is equals to tan inverse log x plus 7x. इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है. तो अब यहाँ पर तीन फंक्शंस तो दिख रहे हैं, tan inverse, log x और 7x. बट क्या वो एडिशन, प्रोडक्ट या किसमें प्रेजेंट है? तो प्रोडक्ट में तो प्रेजेंट नहीं है. हम देख सकते हैं tan inverse के अंदर हमें दिख रहा है कि log x plus 7x प्रेजेंट है, right? तो इसके अंदर प्रेजेंट है मतलब कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस है. तो बाहर पहले दिख रहा है tan inverse और उसके अंदर आ रहा है log x plus 7x. तो जब हम डेरिवेटिव करेंगे यूजिंग चेन रूल तो हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे. पहले किसका डेरिवेटिव करेंगे? tan inverse का. तो tan inverse का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस x square, अगर ये x होता तो. बट ये x नहीं है, यहाँ पर जो भी लिखा है हम उसको एज इट इज उसका स्क्वायर ट्रीट कर लेंगे. तो 1 अपॉन log x प्लस 7x का होल स्क्वायर, राइट? क्योंकि tan inverse x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. तो यहाँ x नहीं है, यहाँ पर log x प्लस 7x, तो वही उसी का स्क्वायर लेंगे. इनटू अब किसका डेरिवेटिव करना है? tan inverse का तो हो गया, अब हमें डेरिवेटिव करना है log x प्लस 7x का. तो log x प्लस 7x में, क्योंकि ये दोनों एडिशन में लिखे हैं, तो पहले log x का डेरिवेटिव करेंगे. तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय x और 7x का डेरिवेटिव अगेन अल्फा x का डेरिवेटिव. तो अल्फा ओनली x का डेरिवेटिव, राइट? तो ओनली 7. तो ये आपको दे देगा कितना? 1 अपॉन 1 प्लस log x प्लस 7x का होल स्क्वायर. एंड इफ यू राइट दिस एज टेकिंग एलसीएम यू विल गेट 1 प्लस 7x बाय x. सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, राइट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन है y is equals to sine inverse 2x into root of 1 minus x square. अब इस क्वेश्चन में अगर मैं डेरिवेटिव निकालना चाहूं तो क्योंकि ये देखो यहां पर x के टर्म्स में हमारे पास sine inverse, ये अंदर कुछ फंक्शन आ गया x के टर्म्स में, ना कि log x या फिर tan x, ऐसे कुछ फंक्शंस नहीं आ रहे जिनके डेरिवेटिव नोन है. तो अगर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव करोगे ऐसे फंक्शंस का इनवर्स ट्रिगो में तो वो बहुत लेंथी होगा. गलत नहीं होता है बट वो बहुत लेंथी होता है. तो हम इन क्वेश्चंस को हमेशा सब्स्टिट्यूशन से करेंगे. अगर कभी भी दिखेगा कि इनवर्स फंक्शन है सो ऑलवेज ऑलवेज यू विल फर्स्ट सिंप्लीफाई द फंक्शन यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज. ये जो भी आइडेंटिटी फॉर्मूलाज हमें पता है उनकी हेल्प से हम रिड्यूस करेंगे और उसी के बाद डेरिवेटिव करेंगे. ये आपको ध्यान रखना है.
अभी तक आप जो भी फंक्शंस देख रहे थे उनके डेरिवेटिव सबके नोन थे, राइट, निकाल सकते थे और इतने कोई लेंदी नहीं थे, हम सीधा सीधा डिफ्रेंशिएट कर रहे थे. बट ऐसा फंक्शन जो है आप देख रहे हो कि साइन इनवर्स के अंदर ये फंक्शन प्रेजेंट है और ये दोनों प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, तो बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये इनवर्स ट्रिगो का क्वेश्चन है और इनवर्स ट्रिगो में हम सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ चुके हैं. सो बाय सब्स्टिट्यूशन वी ऑलवेज रिड्यूस द फंक्शन फर्स्ट, तो हम वही यहाँ पर करेंगे, राइट. तो अब देखते हैं इसको रिड्यूस कैसे करेंगे. तो क्वेश्चन में हमेशा देखो हमने क्या सीखा था, अगर ये साइन इनवर्स है तो अंदर भी ये साइन का फॉर्मूला बनना चाहिए, तभी साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होता था, तभी सिंप्लीफाई होगा क्वेश्चन. तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं सोचूंगी कि मैं एक्स को ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करूं कि ये साइन का कोई फॉर्मूला बन जाए. तो आपने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है, 2 × something × something साइन का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है, क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 sin θ cos θ, राइट. तो अगर आप एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दोगे एज व्हाट, क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, साइन थीटा या कॉस थीटा, कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पर, राइट. तो अगर x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम एज साइन थीटा, सो दिस विल गिव यू y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 sin θ अंडर रूट ऑफ 1 − sin²θ. दिस गिव्स यू साइन इनवर्स 2 sin θ अंडर रूट cos²θ एंड विच बिकम्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 sin θ cos theta and this becomes y is equals to sine of sine inverse of sine, this formula is of sine 2 theta, right. Nothing is given ki x kahan belong kar raha hai, interval kuch nahi given, to hum seedha hi lekar chalenge ki ye principal value branch mein hai. आगे चलकर क्वेश्चंस देखेंगे जहां पर इंटरवल मेंशन होंगे, बट अभी कोई इंटरवल नहीं है तो हम इसको डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं. सो दिस गिव्स यू y इज इक्वल्स टू 2 θ. अब हमेशा लिखो थीटा इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि क्वेश्चन था फॉर x, तो हम x रिप्रेजेंट उसी से लिखेंगे. तो थीटा फ्रॉम हियर इज गोइंग टू बी 2 sin inverse x, साइन इनवर्स x आ जाएगा, राइट. ये हमारा फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया, यही सेम फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है 2 sin inverse x. याद रखना अभी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन हुई है, हमने इसको डेरिवेट नहीं किया. तो अब हमारा क्वेश्चन था डिफरेंशिएट द फंक्शन, तो अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. सो dy/dx हियर विल बी कॉन्स्टेंट एज इट इज, डेरिवेटिव करना है अल्फा इनटू सम फंक्शन का डेरिवेटिव, वही सेम चीज कर रहे हैं, तो अल्फा एज इट इज रहेगा, ओनली फंक्शन का डेरिवेटिव. तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, 1 upon √1 − x. सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर. सो अगेन मैं आपको बता रही हूं, जब भी हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हमेशा हमेशा देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आइडेंटिटीज या सब्स्टिट्यूशन, कोई भी जो हमने सब्स्टिट्यूशन अभी पढ़े उनसे अगर फंक्शन सिंप्लीफाई हो रहा है तो जरूर जरूर पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है और उसी के बाद आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन बहुत लेंदी होगा और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, राइट. तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x²−1, कोई इंटरवल भी मेंशन नहीं है, ओके. इनवर्स ट्रिगो का क्वेश्चन है 2x²−1, तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है. तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन ही सोचेंगे, क्या सोचना है, cos का कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है जो 2 × square minus 1 something square minus 1 हो, तो हमने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, 2 cos²θ − 1 is cos 2θ होता है. तो
बेसिकली अगर एक्स को यहां पर आप सब्स्टिट्यूट कर लोगे एज कॉस थीटा, सो दिस विल रिड्यूस इट टू कॉस टू थीटा फॉर्मूला, क्योंकि कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस का ही देखना था, कॉस का फॉर्मूला, इसलिए मैंने बोला आपको कॉस का कोई ऐसा फॉर्मूला है या नहीं. तो ये बन गया वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन. सो दिस बिकम्स कॉस इनवर्स, ये क्या फॉर्मूला है, कॉस टू थीटा, क्योंकि कुछ भी नहीं गिवन तो ये हम लेकर चलेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही है, तो y इज इक्वल टू टू थीटा आ गया. सो आप थीटा निकालेंगे फ्रॉम हियर, सो थीटा इज गोइंग टू बी, यू विल सब्स्टिट्यूटेड बैक, इट विल बी कॉस इनवर्स x. सो ये अभी सिर्फ सिंप्लीफाई हो गया फंक्शन. अब क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. तो आप करिए dy by dx constant as it is, only derivative of the function. Cos inverse x ka derivative hota hai minus 1 upon root of 1 minus x square. So your answer is minus 2 upon root of 1 minus x square. Simple. Right? Next question, y is equals to tan inverse 2x upon 1 minus x square. So ab aapko idea ho gaya hai ki kaise karna hai. क्योंकि इनवर्स ट्रिगो का क्वेश्चन है तो सब्स्टिट्यूशन से हम इसको रिड्यूस करेंगे पहले. तो सोचना है ऐसी कोई फॉर्म पड़ी है टैन के फॉर्मूले की, टैन ही बोल रहे हैं क्योंकि बाहर टैन इनवर्स है, तो टैन ऑफ समथिंग पड़ा है जो टू इंटू समथिंग अपॉन वन माइनस समथिंग का स्क्वायर दे. तो हमने पढ़ा ऐसा फॉर्मूला क्या होता है, टू टैन थीटा अपॉन वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन टू थीटा. तो यहां पर अगर x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे as tan theta, so it will make it y is equals to tan inverse 2 tan theta upon 1 minus tan square theta, right? ये क्या बना देगा उसको, y is equals to tan inverse tan 2 theta, which implies y is equals to 2 theta. तो ये क्या बताता है हमें कि y कितना हो गया, theta substitute करेंगे हम, theta from here is tan inverse x. So y is equals to tan inverse 2 tan inverse x. हमारा function simplify होकर आ गया. अब क्या करना है, अभी सब simplify हुआ है, अब derivative find करेंगे with respect to x. Constant as it is, tan inverse x का derivative 1 by x square, 1 plus x square, right? This is your answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y is equals to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. इसका डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है. तो वही सेम चीज, cos inverse बाहर है तो अंदर cos का फॉर्मूला बनना चाहिए. तो आप क्या रिकॉल करोगे, आप सोचोगे कि cos का ऐसा कोई फॉर्मूला है जो क्या कर दे इसको, cos ऐसा कोई फॉर्मूला है 1 माइनस समथिंग स्क्वायर अपॉन 1 प्लस समथिंग स्क्वायर जो कॉस का फॉर्मूला हो. तो रिकॉल कीजिए कॉस टू थीटा के हमने चार फॉर्मूलास पढ़े हैं, जिसमें से एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज कॉस टू थीटा होता है. तो ये डायरेक्टली ही इसको कॉस इनवर्स को कॉस बना देगा, है ना. बहुत सारे बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसी वाली फॉर्म है जो हमने सब्स्टिट्यूशन वाली फॉर्म देखी थी, राइट. तो हमने यहाँ क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट किया कॉस टू थीटा, देखिए यहाँ पर रूट प्रेजेंट है, राइट. तो रूट जब रूट के साथ ये प्रेजेंट होगा ये फॉर्म दिखेगी तब हम उधर कॉस टू थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं. बट अगर सिर्फ आपके पास ये फंक्शन गिवन है तो हमें, क्योंकि बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस बनाना था, तो वो cos to theta का डायरेक्ट ये फॉर्मूला बन रहा है. इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, we will substitute x as tan theta, right? करते हैं, y is equals to cos inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, which is y is equals to cos inverse cos 2 theta, so which gives you y is equals to 2 theta. And this will give you y is equals to 2. Theta ki value nikalenge yahan se, which is tan inverse x. To ye function hamara
सिंप्लीफाई हो गया. अब क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव. सो डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव तो बहुत सिंपल है, टू एज इट इज, सिर्फ टैन वर्स एक्स का डेरिवेटिव, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, राइट. तो आप देख रहे हैं जब फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाता है तो कितनी इजीली हम डेरिवेटिव निकाल पाते हैं. अदरवाइज अगर आप सिंप्लीफाई नहीं करते तो आप कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव करते, रूट माइनस वन अपॉन रूट ऑफ दिस स्क्वायर, और फिर इसका डेरिवेटिव करते कोशेंट रूट से, वो बहुत लेंथी होता है. तो हम हमेशा सब्स्टिट्यूशन देखेंगे इन इनवर्स ट्रिगर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अब ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा इसमें सोचना होता है, तो आप बताइए कैसे कर सकते हैं. आपके पास फॉर्म है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस समथिंग स्क्वायर अपॉन 1 प्लस समथिंग स्क्वायर. अब देखो बाहर साइन इनवर्स है तो ऑब्वियसली आप साइन का फॉर्मूला बनाना चाहोगे पहले. तो साइन का कोई ऐसा फॉर्मूला पड़ा है, 1 माइनस समथिंग स्क्वायर अपॉन 1 प्लस समथिंग स्क्वायर? तो हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा साइन का, राइट. हमने दो ही पढ़े, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा. बट ऊपर ये फॉर्म हो नीचे ये फॉर्म हो, ये हमने नहीं पढ़ा. ओके, अब नेक्स्ट आप सोचिए, अभी हमने क्वेश्चन किया था, हमने कॉस की ऐसी फॉर्म पढ़ी थी. तो अगर इंस्टेड ऑफ साइन, अगर मैं पहले इसको कॉस बना लूं, तो कॉस को तो मुझे कन्वर्ट करना आता है साइन में, राइट. तो इस क्वेश्चन में यही ट्रिक है, दिस डज नॉट बिकम द फॉर्मूला ऑफ साइन इटसेल्फ, इट विल फर्स्ट बिकम द फॉर्मूला ऑफ कॉस एंड देन यू विल कन्वर्ट इट टू साइन. कैसे कर सकते हैं देखते हैं. आप एक्स को सब्स्टिट्यूट करो टैन थीटा, राइट. तो एक्स अगर टैन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये अंदर फॉर्मूला बन जाएगा, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा. सो दिस गिव्स यू y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा. अब साइन इनवर्स और cos को कैसे कैंसिल करें, तो आपको ये पता है दैट cos थीटा इज सेम एज साइन pi by 2 माइनस थीटा. होता है या नहीं? cos कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ साइन, साइन इन टर्म्स ऑफ cos, cot इन tan, tan इन cot, sec cosec cosec sec लिख सकते हैं. कैसे? pi by 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन का साइन पॉजिटिव, एंड pi by 2 पर फंक्शन चेंज, तो इट विल चेंज टू cos. तो साइन pi by 2 माइनस थीटा इज cos थीटा. ऐसे ही cos pi by 2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा. तो मुझे यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना था किस में? साइन में. सो दिस वॉज द ओनली ट्रिक इस क्वेश्चन में जो हम देख सकते. तो हम इसको लिख लेंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन pi by 2 माइनस राइट. अब सीधा कैंसिल हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन, सो दिस गिव्स यू y इज इक्वल्स टू pi by 2 माइनस 2 थीटा, व्हिच गिव्स यू y इज इक्वल्स टू pi by 2 माइनस 2 थीटा. निकालेंगे थीटा फ्रॉम हियर इज गोइंग टू बी tan इनवर्स x. तो ये हमारा फंक्शन हो गया सिंप्लीफाई. अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, नाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, आप देख सकते हो pi by 2. pi by 2 इज अ कांस्टेंट, pi भी है हमारे पास एक कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, pi by 2 मतलब पूरा ही कांस्टेंट है. सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0. माइनस 2 एज इट इज, सिर्फ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे, आंसर कितना आ गया, राइट. Easy. So, इस क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पर ही एक छोटी सी चीज थी जो हमें देखनी थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. y is equals to tan inverse 1 minus cos x upon sin x. Now देखो अंदर जो फंक्शन लिखा है उसमें फंक्शंस प्रेजेंट है cos और sin के टर्म्स में, है ना. सिर्फ x के टर्म्स नहीं दिख रहे हमें, cos x sin x. तो इसको रिड्यूस किया जा सकता है टू tan, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है तो मैं अंदर भी tan चाहती हूँ, बट अंदर सीधा tan नहीं दिख रहा है. तो हम क्या करते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करना जानते हैं, राइट. इनवर्स ट्रिगो में हमने सीखा था अगर 1 के साथ cos दिखता है तो
तो हम क्या करते हैं, cos 2 theta फॉर्मूला लगाते हैं. तो cos 2x का फॉर्मूला इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, जो रिड्यूस करेगा. बट इधर cos 2x नहीं, इधर cos x है, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाय 2 लगा सकते हैं. लगा दिया यही सेम फॉर्मूला टू एलिमिनेट 1. जैसे ही cos के साथ 1 दिखता है, 1 एलिमिनेट करना है हमें. एंड क्योंकि अब एंगल x बाय 2 हो गया, तो नीचे भी x बाय 2 होगा, तभी सिंप्लीफिकेशन होगी. सो यू कैन यूज हियर sin 2x फॉर्मूला विच इज 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2. ये हम कर चुके हैं इनवर्स ट्रिगो में, तो इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ. हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, राइट. 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन टर्म कैंसिल. y is equals to क्या आ गया, tan inverse of tan x by 2. So this gives you y is equals to x by 2 because no interval was mentioned. हमने अभी सिर्फ simplify किया है, अब हम क्या करेंगे इसको derivate. तो derivative जब करना है तो 1 by 2 as it is, सिर्फ x का derivative, x का derivative 1. So half is going to be your answer. Right? तो हमने कुछ questions देखे on how to find the derivative of inverse trigonometric functions. So now that we have learned how to differentiate inverse trigonometric function by direct derivative or by substitution, अब हम देखेंगे कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास inverse trigonometric function होगा, उसको differentiate करना है and some interval is mentioned. Mostly, जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है उसमें हमारे पास सिंपल इंटरवल्स होते हैं अगर होते हैं तो, जो कि आपका एंगल हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही लाई करता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा. बट बाय चांस अगर नहीं हुआ, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं आया, तो हम कैसे ला सकते हैं वो हम देखेंगे. तो कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सो दैट आपका कॉन्सेप्ट उसके लिए क्लियर हो जाए. तो देखते हैं, आपको डिफ्रेंशिएट करना है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x. पहले फर्स्ट वाले इंटरवल के लिए करेंगे, फिर सेकेंड वाले, थर्ड वाले. आप देखेंगे कि आंसर कैसे वेरी करते हैं हर इंटरवल में. तो ये क्वेश्चन है मेरे पास इनवर्स ट्रिगो का और उसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है. अभी हमने डिस्कस किया था कि जब भी हमें इनवर्स ट्रिगो का क्वेश्चन मिल जाए और उसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, राइट. सो आपके पास ये फंक्शन है y is equals to sin inverse 2x root of 1 minus x square. तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते थे, हम पहले सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं. तो आपकी चॉइस है, आप कुछ भी सब्सटीट्यूट करो, आंसर एकदम करेक्ट आएगा जो भी आप सब्सटीट्यूशन करोगे. आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग इट बैक, जब आप इंटरवल कंसिडर करेंगे तो आंसर वही आएगा दोनों सब्सटीट्यूशंस के लिए, या तो साइन थीटा या कॉस थीटा, राइट. अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया था यही सेम क्वेश्चन. तो मैं ये इंटरवल लेकर चल रही हूँ और इस इंटरवल के लिए हम पहले करेंगे. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. ओके, तो मैंने एक्स को साइन थीटा सब्सटीट्यूट करा है यहाँ पर. सो दिस विल मेक इट वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, हम पीछे क्योंकि अभी कर चुके हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा विच विल बी कॉस थीटा. मैंने डायरेक्ट लिख दिया ये क्योंकि अभी अभी एक क्वेश्चन किया है, तो ये बन जाता है साइन टू थीटा. तो यहां तक हमें क्लियर था, राइट. अब देखो आपके पास ये आ गया. तो अभी हमने प्रीवियस जब ये डिस्कस किया था विदाउट एनी इंटरवल, तो हमने साइन इनवर्स से साइन डायरेक्टली आइडेंटिटी बना दिया था, है ना, और फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर लिया था टू टू थीटा के लिए, टू साइन इनवर्स एक्स के लिए. बट अब इस केस में क्या है, क्योंकि इंटरवल दे दिया है विच इज दिस, तो ये टू थीटा अगर माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू के बीच में लाई करेगा फॉर दिस एक्स, तो मैं इसको साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर सकती हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकती क्योंकि अब इंटरवल बता दिया है कि क्या है. तो अब हमें करके देखना होगा कि कहाँ लाई कर रहा है, तो अब हम चेक करते हैं, ठीक है. ओके, लेट्स चेक. तो अगर x यहाँ लाई करता है तो मुझे चाहिए 2 थीटा कहाँ लाई करेगा, क्योंकि ये है जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आना चाहिए. ओके,
तो क्योंकि x मैंने लिया है साइन थीटा, सो इसका मतलब है साइन थीटा लाई कर रहा है माइनस वन बाय रूट टू टू वन बाय रूट टू के बीच में, तो मुझे टू थीटा बनाना है, तो मैं साइन इनवर्स ऑपरेट कर लेती हूँ पूरे में, तो साइन इनवर्स माइनस वन बाय रूट टू एंड दिस इज साइन इनवर्स वन बाय रूट टू, तो थीटा साइन इनवर्स माइनस वन बाय रूट टू, तो आपको ऐसे सोचना है, आपको पता है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स, है ना, तो साइन की वैल्यू वन बाय रूट टू कब होती है, दैट इज पाई बाय फोर, राइट, तो माइनस पाई बाय फोर टू पाई बाय फोर के बीच में मेरा थीटा लाई कर रहा है, बट मुझे थीटा नहीं, मुझे टू थीटा देखना था, तो टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू के बीच में आपके पास ये आ रहा है, एंड यू नो दैट साइन की साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू दोनों इंक्लूडेड होते हैं, तो स्ट्रिक्ट भी होगा, तो ये तो लाई कर रहा है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, तो क्योंकि ये लाई कर रहा है तो मैं इसको लिख सकती हूँ एज टू थीटा, एंड देन यू कैन सब्स्टिट्यूट थीटा एज साइन इनवर्स एक्स, तो आपके पास बन गया y इज इक्वल टू टू साइन इनवर्स x, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जो इंटरवल गिवन था वो सीधा ही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हमारे एंगल को ला रहा है, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सो दैट गिव्स यू dy by dx इज इक्वल टू टू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, सो दिस इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट इंटरवल, ओके, तो ऐसे अगर कभी भी इंटरवल आए तो आप चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन वही है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ओनली दैट योर इंटरवल हैज चेंज्ड और इंटरवल ये आ गया, अब इसके लिए करके देखते हैं, तो मैंने वही किया है, x को साइन थीटा ही सब्स्टिट्यूट किया है, तो यहां तक तो पूरा क्वेश्चन सेम ही रहेगा, दैट व्हेन यू सिंप्लीफाई इट यू गेट साइन इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि आप सिंप्लीफाई वैसे ही कर रहे हो, राइट, ये टू साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा, तो ये साइन टू थीटा, तो ये सेम वही चीज बन गई। अब क्या करना है, देखना है क्या टू थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है फॉर एक्स लाइन बिटवीन वन बाय रूट टू टू वन, तो अब उसको हम साइड में देखते हैं करके, अगेन देखो क्योंकि आपको टू थीटा के लिए चेक करना है, तो पहले हम चेक करते हैं कि x कहाँ, अगर x वन बाय रूट टू टू वन के बीच में लाई कर रहा है तो इसका मतलब x तो साइन थीटा था, तो साइन थीटा लाई कर रहा है कहाँ, वन बाय रूट टू टू वन के बीच में, तो मतलब अगर साइन इनवर्स ऑपरेट कर दू सब जगह, दिस गिव्स यू साइन वर्स वन बाय रूट टू, तो ऐसे सोचना है साइन की वैल्यू वन बाय रूट टू कब होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, सो पाई बाय फोर पर होती है और वन कब होती है, पाई बाय टू पर, तो मुझे थीटा नहीं देखना है, मुझे क्या देखना है टू थीटा, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आना चाहिए, तो इसको टू थीटा बना लेते हैं, सो टू थीटा आपके पास आ रहा है पाई बाय टू टू पाई के बीच, ओके, अब यहां से अब इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होती है जो आपको समझना है, जो टू थीटा है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग नहीं कर रहा है, साइन इनवर्स की हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो होती है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, तो अगर ऐसा केस आ जाए कि आपने इसको सॉल्व करके देखा, इंटरवल देखा और वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं बिलोंग कर रहा है, तो क्या करना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाएंगे। अब लाने का तरीका क्या है वो समझो, आप या तो एंगल को लिखते हो एज पाई माइनस द सेम एंगल या पाई प्लस, या टू पाई माइनस द सेम एंगल या टू पाई प्लस, ये ही चार चीजें करने से आपका एंगल जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ जाता है, कैसे, अब समझो यहां पर है साइन टू थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स साइन के साथ ही कैंसिल होगा, तो मैं ना ये फंक्शन चेंज नहीं करना चाहती, इसीलिए देखो मैंने क्या यूज किया, मैंने पाई और टू पाई यूज किया, क्योंकि हमें पता है पाई और टू पाई पर ही हमारा फंक्शन चेंज नहीं होता है, अदरवाइज पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू अगर ऑपरेट करेंगे प्लस माइनस करके तो आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा क्वाड्रेंट रूल के अकॉर्डिंग, है ना, हमने ये पढ़ा हुआ है,
ओनली पाई एंड 2 पाई पर ही हमारे पास ये होगा कि अगर मैं इसको कुछ अलग 2 थीटा को चेंज करके लिख भी दूं तो ये फंक्शन सेम ही रहेगा. तो मैं ये करना चाहती हूँ कि साइन 2 थीटा को ही चेंज करके लिखूं विद सम डिफरेंट एंगल सो दैट मेरा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में भी बिलोंग कर जाए और ये फंक्शन भी चेंज नहीं है. ठीक है, अब सबसे पहली चीज, अगर मैं ये सेम ही चीज रखना चाहती हूँ तो सबसे पहले तो मैं वर्कआउट करके देख सकती हूँ पाई माइनस, क्योंकि मुझे पता है पाई माइनस से मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा ये फंक्शन, और सेकेंड क्वाड्रेंट तो साइन के लिए होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मैं इसको लिख सकती हूँ एज साइन ऑफ पाई माइनस 2 थीटा. ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, ये आप चीज देखिए, साइन 2 थीटा और साइन पाई माइनस 2 थीटा दोनों ही सेम चीजें हैं, क्योंकि पाई माइनस 2 थीटा यू आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन का साइन पॉजिटिव एंड पाई पर फंक्शन डज नॉट चेंज. सो इवन इफ आई राइट साइन 2 थीटा को एज साइन पाई माइनस 2 थीटा दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. लिख सकते हैं, तो मैंने इसको लिख लिया इस पाई माइनस 2 थीटा, क्योंकि मुझे ये सेम रखना था और ये सेम सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है एग्जैक्टली. अब बस ये चेक करना है क्या पाई माइनस 2 थीटा लाई कर रहा है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, अगर कर जाएगा तो साइन वर्सेस साइन कैंसिल कर लेंगे, राइट. तो देखो हमने यहां तक तो कर लिया था कि 2 थीटा है, अब पाई माइनस 2 थीटा चाहिए, तो पहले माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, इनइक्वालिटी रिवर्स कर दी हमने एंड फिर हम पाई ऐड कर देते हैं. पाई ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास इंटरवल आया दिस एंगल लाइज बिटवीन 0 to π/2 एंड साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है -π/2 to π/2, तो वो लाई कर रहा है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में विच इज करेक्ट. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं एज पाई माइनस 2 थीटा, क्योंकि अब ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा था. तो y is pi minus 2 theta, तो y को हम लिख सकते हैं pi minus 2 and theta can be written as from here sine inverse x. So this is what you get after simplification in this interval. अब क्या करेंगे, differentiate करना है with respect to x. pi का derivative constant है 0, minus 2 as it is sine inverse x का derivative -2√1 − x². This is your answer. आप देखिए, first में हमारा जो था answer आया था 2√1 − x², इधर हमारा answer है -2√1 − x². That is how depending on different intervals आपका answer vary कर सकता है. तो जब भी आपका angle principal value branch में नहीं आएगा, आपको यही याद रखना है, with same function आप angle को कैसे change करें so that वो principal value branch में लाया करें. तो यही 4 चीज यूज करके हम कर सकते हैं इजीली. अब एक और इंटरवल देखते हैं, जो लास्ट इंटरवल बोला था इसमें इंटरवल है, क्वेश्चन सेम है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x√1 − x² एंड x इज लाइंग बिटवीन -1 to −1/√2. ओके, इसके लिए चेक करते हैं. तो वो तो सेम चीज है कि हमने x को sin थीटा ही सब्स्टिट्यूट किया है, ये पूरा ही तीनों पार्ट्स आप cos सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो ये जो हमने सिंपलीफाई किया था तो ये बन गया था sin इनवर्स sin 2 थीटा. अब चेक करेंगे यही सेम चीज फॉर दिस गिवन इंटरवल, तो ये करते हैं. x is lying between -1 to −1/√2, तो उसका मतलब है sin theta lie कर रहा है −1 to −1/√2, right? हमें किसके लिए देखना है, हमें देखना है 2 theta कहाँ lie कर रहा है, principal value branch में है या नहीं. तो sin inverse operate कर लेंगे आप सारी जगह. ये आपके पास आया थीटा हो जाएगा, ये आपके पास बन गया थीटा लाइज बिटवीन
राइट. सो साइन इनवर्स वन दैट इज माइनस पाई बाय टू थीटा माइनस पाई बाय फोर. राइट, ये थीटा हमारे पास आ रहा है, तो टू थीटा हमारे पास कहाँ लाई कर रहे, टू थीटा विल लाई बिटवीन माइनस पाई टू माइनस पाई बाय टू. अब अगेन देखो, माइनस 180 टू माइनस 90, दैट इज नॉट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन. तो अब मुझे फिर से इसको लिखना होगा यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट. ठीक है, या तो पाई माइनस पाई प्लस या टू पाई माइनस टू पाई प्लस. ओके, तो अगर आप पाई माइनस यहाँ पर लिखना चाहते हो उसको, लेट्स से आपने लिखना, आप लिख रहे हो उसको साइन पाई माइनस टू थीटा, दोनों सेम है, तो करके देखते हैं कि पाई माइनस टू थीटा लाई करेगा. तो अगर माइनस टू थीटा किया तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, पाई बाई टू पाई, और जब पाई ऐड करोगे तो देखो ये बन गया थ्री पाई बाई टू 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 पाई. आप देख, ये जो हमारे पास इंटरवल बन रहा है बाय पाई माइनस टू थीटा, ये तो और दूर चले गए हम, फंक्शन 270 टू 360 पर हम चले गए, अपनी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से और दूर चले गए. तो यहाँ पर पाई माइनस वर्क नहीं कर रहा है. ठीक है, तो अब दूसरा क्या यूज कर सकते हो, पाई प्लस देख सकते हो कि पाई प्लस वर्क कर रहा है. तो पाई प्लस अगर लिखोगे तो पाई प्लस का क्या मतलब है, इसका मतलब है आप जा रहे हो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो टैन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, तो साइन तो नेगेटिव होता है. सो दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू दिस. अगर इसको लिखना है सेम, तो आपको क्या करना होगा, आपको इधर एक नेगेटिव साइन लाना होगा. क्यों? क्योंकि पाई प्लस टू थीटा वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का साइन होता है नेगेटिव. राइट, और पाई पर फंक्शन चेंज नहीं होता. तो अगर आप सीधा बस इतना लिखते साइन पाई प्लस टू थीटा, तो वो बनता माइनस साइन टू थीटा, ना कि साइन टू थीटा. तो हमें तो साइन टू थीटा बनाना है, तो नेगेटिव साइन हम अपने आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे, सो दैट अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट रूल ये वैल्यूज सेम रहे. ठीक है, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज थी कि पाई माइनस वर्क नहीं किया तो पाई प्लस करके देख रहे हैं. बट जब पाई प्लस लिखेंगे तो हमें जरूर देख लेना है क्वाड्रेंट रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों सेम हो भी रहे हैं या नहीं. अगर नहीं हो रहा है तो नेगेटिव साइन का डिफरेंस है तो नेगेटिव लगा लिया. अब देखो, साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन ये हमने लिखा हुआ है, क्योंकि साइन इनवर्स साइन तभी कैंसिल करेंगे जो बीच में कोई नेगेटिव नहीं होगा. तो हमें पता है साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो इस नेगेटिव साइन को आप अंदर भी ले जा सकते हो. इसको ये लिख सकते हैं माइनस पाई माइनस टू थीटा. तो अब इस एंगल के लिए चेक करके देखते हैं क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है या नहीं. तो पहले माइनस टू थीटा चाहिए, तो नेगेटिव साइन से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, एंड देन माइनस पाई ऐड कर रहे हैं सब जगह. तो माइनस पाई प्लस पाई बाय टू, एंड दिस इज माइनस पाई प्लस पाई. सो दिस बिकम्स माइनस पाई बाय टू, एंड दिस बिकम्स माइनस 90 टू जीरो, व्हिच इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन. तो मतलब अब मैं साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर सकती हूँ और इसको लिख सकती हूँ माइनस पाई माइनस टू थीटा. सो दिस इज योर वाई After simplification, और हम इसको थीटा भी सब्सटीट्यूट करेंगे, तो y is equals to minus pi minus 2 sin inverse x लिख सकते हैं, right? अब इसका derivative find कर लेंगे. So derivative is dy by dx is equals to 0 minus 2 upon root 1 minus x square, right? Constant function minus 2 as it is, and sin inverse x का derivative is 1 by root of 1 minus x square. तो ये आपका answer है. So this is how you have to do the questions based on intervals. तो ये तो हमने एक साइन का क्वेश्चन किया, एक ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन करके देखते हैं हम टैन के लिए. क्योंकि साइन और टैन जो है उसमें सेम चीजें फॉलो होती है, कॉस का थोड़ा सा डिफरेंट होता है. तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है. क्वेश्चन है, यू हैव टू डिफरेंशिएट टैन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इफ एक्स बिलोंग्स टू 1 to infinity. इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है. तो अब हम क्या करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है, तो पहले तो हम वही सेम चीज कर रहे हैं कि
सब्स्टिट्यूशन करें, इसको सिंप्लीफाई कर लें और फिर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं टैन इनवर्स है, तो अंदर में टैन का फॉर्मूला बनाना चाहती हूँ। तो सोचेंगे ऐसा कौन सा फॉर्म है, तो आपको पता है 2 tan theta upon 1 minus tan square theta, tan 2 theta बन जाएगा। तो x के लिए क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, tan theta, okay. तो ये बन जाएगा tan inverse of tan 2 theta. ये हम पहले भी कर चुके हैं अभी पीछे, इसलिए मैं इसको दोबारा से पूरा नहीं लिख रही हूँ, इवैल्यूएट करके इतना हमें समझ आता है, राइट right. ओके okay. अब इस इंटरवल में चेक करना है, जब x लाई कर रहा है 1 टू इंफिनिटी के बीच में, तो क्या 2 थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है या नहीं। अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर वही चीजें अप्लाई करते हैं। ओके तो क्या करना है, अगर x यहाँ लाई कर रहा है तो x को हमने tan थीटा लिया है, तो tan थीटा लाई कर रहा है 1 टू इंफिनिटी के बीच में, तो थीटा कहाँ लाई करेगा, tan इनवर्स ऑफ 1 टू tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी। तो tan inverse 1 का मतलब कब होता है, pi by 4 पर, tan 1 होता है pi by 4 पर, और not defined कब होता है, tan pi by 2 पर, right? pi by 4 to pi by 2 हमारे पास theta lie कर रहा है, हमें चेक करना है क्या 2 theta principal value branch में है या नहीं। तो इसको 2 से multiply करते हैं, so this is pi by 2 to pi। आप देख सकते हैं 90 टू 180 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं है, tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमारे पास होती है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू ओपन इंटरवल, ये होती है, हमें इसको लाना होगा। तो वही सेम चीज क्या करना है, या तो पाई माइनस चेक करें, पाई प्लस चेक करें, जिससे भी ये वर्क करे। तो सबसे पहले पाई माइनस देखते हैं क्या वो वर्क कर रहे हैं, ओके तो अगर आप देखेंगे पाई माइनस, या अगर हम सीधा इसको पाई प्लस ही देख लें, तो क्योंकि ये टैन टू थीटा है और मैं लाना चाहती हूँ उसको पॉजिटिवली, सेम चीज लिखना चाहते हैं, तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लिख लेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन भी पॉजिटिव होता है, राइट। तो अगर इसको हम लिखें टैन इनवर्स ऑफ टैन पाई प्लस टू थीटा, तो पाई प्लस टू थीटा लिखने से पाई प्लस टू थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव, और पाई पर फंक्शन चेंज भी नहीं होते, दोनों सेम ही रहेंगे, कुछ गड़बड़ नहीं होगी, है ना। बस ये देखना है कि पाई प्लस टू थीटा लाई कर रहा है, पर जब आप पाई प्लस कर दोगे इसमें तो ये 3 पाई बाई 2 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 2 पाई, तो आप और दूर चले गए, ठीक है। तो यहाँ पर पाई प्लस नहीं वर्क कर रहा है, इसीलिए हम इसको सीधा पाई प्लस नहीं लिख रहे। अब क्या कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हो पाई माइनस के साथ, ओके तो अगर पाई माइनस करेंगे तो आपको पता है पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में आप आ रहे हो, और सेकेंड क्वाड्रेंट में तो टैन नेगेटिव होगा और पाई पर फंक्शन डज नॉट चेंज, तो ये जो वैल्यू बनेगी वो ये बनेगी, पर मुझे चाहिए तो टैन टू थीटा, तो अपने आप क्या करना होगा, एक नेगेटिव साइन बाहर इंट्रोड्यूस करना होगा। तो अब ये जो वैल्यू है माइनस ऑफ माइनस पॉजिटिव बनाएंगे, और आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ओके तो अब क्योंकि tan ऑफ माइनस x माइनस tan x होता है, तो हम tan इनवर्स से tan कैंसिल करने के लिए ये नेगेटिव साइन अंदर ले जाते हैं, माइनस पाई प्लस टू थीटा। तो अब चेक करते हैं क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है या नहीं, ये एंगल, तो प्लस टू थीटा तो है ही, माइनस पाई और ऐड कर लेते हैं, तो माइनस पाई ऐड कर दो, कितना बन गया माइनस पाई बाई टू, दिस बिकम्स जीरो, माइनस 90 टू जीरो, विच इज डेफिनेटली इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ टैन इनवर्स फंक्शन। तो ये क्या लिख सकते हैं, वाई एज माइनस पाई प्लस टू थीटा लिखा जा सकता है, एंड क्योंकि हम थीटा हमने लिया था टैन थीटा, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स को लिया था टैन थीटा, तो थीटा विल बी tan inverse x. So this is what you get after simplification. Now the question was to differentiate it. So derivative kar dete hain. Minus pi ka derivative 0, constant tha. Constant 2 as it is, tan inverse x ka derivative 1 upon 1 plus x square. So 2 upon 1 plus x square will be your answer.
दिस इज हाउ यू डू क्वेश्चन बेस्ड ऑन साइन एंड टैन. कॉस भी सेम ही है बट कुछ कुछ थोड़ा सा उसमें अलग हो सकता है, तो हम कॉस के लिए भी क्वेश्चन करके देखते हैं. दिस इज द क्वेश्चन. यू हैव टू डिफरेंशिएट cos inverse 2x square minus 1 with respect to x in the interval minus 1 to 0. हम इसको differentiate करना चाहते हैं minus 1 to 0 interval. तो पहली चीज तो यही है, cos inverse को derivative करना है तो हम इसको simplify करना चाहते हैं. Inverse trigonometric function है तो 2x square minus 1 ऐसा cos का कोई formula पड़ा है, हमने पढ़ा है 2 cos square theta minus 1 is cos 2 theta. तो हम x को substitute कर सकते हैं as cos theta, right? तो ये आपके पास बन जाएगा y is equals to cos inverse 2 cos square theta minus 1 which gives you y is equals to cos inverse cos 2 theta. तो ये तो हमें करना आता है. यहां तक आ गए हैं, अब देखते हैं क्या ये 2 थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाए करता है या नहीं, क्योंकि इंटरवल मेंशन्ड है. तो हम चेक करेंगे. तो x लाए कर रहा है माइनस 1 टू 0 के बीच में और हमने x को सपोज क्या किया है, cos थीटा. तो cos थीटा लाए कर रहा है माइनस 1 टू 0 के बीच में, ठीक है? अब ध्यान से समझना इधर. जब आप cos इनवर्स अप्लाई करोगे तो cos इनवर्स ऑफ माइनस 1 दैट इज cos इनवर्स ऑफ 0. cos inverse of minus 1 क्या है, cos की वैल्यू minus 1 कब होती है, वो होती है पाई पर, राइट? एंड cos की वैल्यू 0 कब होती है, cos की वैल्यू 0 होती है पाई बाय 2 पर. तो अब देखो जब आपने थीटा लिखा है यहां पर तो ये थीटा आ गया 180 टू 90 के बीच में, तो हमने तो उल्टा लिख दिया, इंटरवल में तो हम ऐसा लिखते नहीं है. तो कभी भी अगर ऐसा होगा तो आपको सिर्फ ये करना है कि जो हमारे पास छोटी वैल्यू है वो पहले आएगी और बड़ी वैल्यू बाद में आएगी. इसका सेम ही लॉजिक है और ये ग्राफ से आता है जो कि मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ. देखो हमें पता है cos x का ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो ग्राफ ऐसा होता है. अगर हम कंसिडर करते हैं माइनस 1 टू 0 के बीच में तो ये आपके पास वैल्यू है पाई बाय 2, लेट्स से ये वैल्यू है और यहाँ पर हमें लेना है माइनस 1 टू 0, है ना? माइनस 1 टू 0, ये माइनस 1 है तो यहाँ पर ये है. कहाँ लाई कर रहा है, कॉस थीटा माइनस 1 टू 0 के बीच में, पाई बाई 2 टू पाई के बीच में लाई कर रहा है. अब देखो कॉस इनवर्स x का अगर आप ग्राफ देखोगे, कॉस x का ग्राफ है, अब कॉस इनवर्स x अगर आप देखते तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आता है. तो ये अगर आपके पास पाई बाई 2 है, दिस इज योर पाई, सो दिस इज 0, यहां पर ये 0 वैल्यू है और ये वैल्यू है माइनस 1. तो अगर आप कॉस इनवर्स को देखना चाहते हो माइनस 1 टू 0 के बीच में तो वो लाए काम कर रहा है, पाई बाई 2 टू पाई के बीच में ही लाए कर रहा है. तो ऐसा बहुत बार हो जाता है कि ये इंटरवल उल्टा आ जाता है, बट आप सिर्फ क्या करो, ग्राफ वगैरह देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो रहेगा उसी के बीच में, कोई चेंज नहीं होता है. ओनली दैट यू रिवर्स इट, उसको उल्टा करके लिख दो. तो यहाँ पर पाई टू पाई बाई टू आया था, हमने पाई बाई टू टू पाई लिख दिया क्योंकि वही सेम चीज है. ओके, तो अब हमें ये देखना है, थीटा नहीं हमें 2 थीटा देखना था, तो 2 थीटा बनाते हैं. तो 2 थीटा विल बी पाई टू 2 पाई. ओके, तो यहाँ पर आ गया मेरा पाई टू 2 पाई. अब पाई टू 2 पाई तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है नहीं कॉस इनवर्स फंक्शन की, राइट? क्या होती है, 0 टू पाई. तो मुझे अब लिखना है इस फंक्शन को कॉस के टर्म्स में ही लिखना है बट एंगल डिफरेंट करके, सो दैट
ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर जाए। अब आपको पता है कि हम या तो पाई माइनस पाई प्लस या टू पाई माइनस टू पाई प्लस लिख सकते हैं, क्योंकि ये कॉस है और आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो अगर हम इसको एक बार ट्राई कर लें टू पाई माइनस करके तो बेटर होगा, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, ऑल्दो आप पाई माइनस पाई प्लस से भी करके देख सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं है, बट क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होगा और टू पाई वाला भी हमारा रूल करेक्ट होता है, तो हम इसको टू पाई से लिख लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस टू पाई माइनस टू थीटा, विच इज सेम एज दिस, एज टू पाई माइनस टू थीटा वी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस इज पॉजिटिव, कॉस का साइन इज पॉजिटिव एंड टू पाई पर फंक्शन डज नॉट चेंज। तो ये दोनों वैल्यूज एग्जैक्टली सेम है तो लिखा जा सकता है। Only thing is now I have to check whether this is also lying between the principal value branch or not. तो करके देखते हैं। तो 2 pi minus 2 theta हुआ, तो पहले minus 2 theta बनाते हैं। Interval उल्टा हो जाएगा, right? क्योंकि negative से multiply कर रहे हैं, and अब 2 pi add कर लेते हैं। तो 2 pi अगर add कर दोगे, तो ये हो गया आपके पास 0 to pi। देखो direct ही आ गया ना principal value branch में, right? तो अब क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है, सो यू कैन राइट इट एज 2 पाई माइनस 2 थीटा, सो वाई कैन बी रिटन एज 2 पाई माइनस 2 एंड थीटा फ्रॉम हियर इज कॉस इनवर्स एक्स। तो ये मेरा फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया इन दिस इंटरवल। अब क्या करना है, वी हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। कॉस का डेरिवेटिव, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? दिस गिव्स यू टू अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर। एक और क्वेश्चन मैं आपको कॉस के लिए दिखा रही हूँ, लास्ट क्वेश्चन, फिर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव स्टॉप कर देंगे। देखिए, यू हैव टू डिफरेंशिएट cos inverse 1 minus 2 x square when x is lying between minus 1 to 0. Okay, so first step is to think what we should substitute x as so that the function is in simplified form. So, aap kya kar sakte ho? You can substitute x as on the formula 1 minus 2 sine square theta. तो मतलब x को अगर sin theta substitute करेंगे तो ये simplify हो जाएगा in cos form, क्योंकि बाहर cos था तो ये cos 2 theta का formula बनता है। Okay, ये आ गया। अब interval पर चलते हैं क्योंकि मैं इसको cancel नहीं कर सकती हूँ जब तक ये principal value branch में lie नहीं करता है, तो करके देखते हैं। क्योंकि x लाई कर रहा है माइनस वन टू जीरो के बीच में, तो इसका मतलब है साइन थीटा लाई कर रहा है माइनस वन टू जीरो के बीच में। तो थीटा कहाँ लाई करेगा, साइन इनवर्स माइनस वन टू साइन इनवर्स जीरो के बीच, राइट? ओके, साइन इनवर्स माइनस वन इज माइनस फाइव बाई टू, माइनस साइन इनवर्स वन एंड साइन इनवर्स वन इज फाइव बाई टू एंड साइन इनवर्स जीरो, ये आपके पास थीटा लाई कर रहा है। मुझे टू थीटा चेक करना है, टू थीटा लाई कर रहा है माइनस फाइव टू जीरो के बीच, ओके, जो कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है। अब जरा थोड़ा सा ही देखना, कोई पाई माइनस पाई प्लस कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस छोटी सी चीज आपको यहाँ पर देखनी है। जो ये टू थीटा है ये माइनस फाइव टू जीरो के बीच में आया है ना, और जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो होती है जीरो टू पाई। तो हम जरूर सोच सकते हैं पाई माइनस पाई प्लस टू पाई माइनस टू पाई प्लस, बट अगर यहां से ही देखें इस क्वेश्चन में बहुत छोटी सी चीज है कि ये अगर सिर्फ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सीधा ही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाया कर जाएगा। देखो, अगर आप इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी और आपका जीरो टू पाई के बीच में आ जाएगा। ऑल्सो यू नो दैट कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, दोनों सेम है, बिकॉज कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, विदाउट इवन यूजिंग क्वाड्रेंट रूल कॉस के केस में मेरे पास ये इसीलिए हो पाया, ये साइन और टैन में नहीं होगा,
ओनली इन कॉस के फॉर्म में हो सकता है अगर आप इंटरवल ऐसा देख रहे हैं तो. सिर्फ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने से ये उसको सेम ही वैल्यू दे देगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स दे देगा, जो दोनों सेम है. और ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में भी लाई कर रहा है. तो y क्या हो गया, y इज 2 थीटा. तो y कितना हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स x. सिंपलीफाई कर लिया हमने. अब क्या करना है, वी जस्ट हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन. Derivative of sine inverse x is root of 1 by root of 1 minus x square at 2 as it is. This is your minus 2 theta, sorry, minus. So this is your answer. Right? So aaj humne seekha how to differentiate inverse trigonometric functions. Pehle humne direct differentiation dekha tha. फिर हमने सब्स्टिट्यूशन बेस देखा, और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब भी इनवर्स ट्रिगो का क्वेश्चन डेरिवेटिव्स में आ रहा है, वी विल ऑलवेज ऑलवेज सिंप्लीफाई द क्वेश्चन बिफोर डिफरेंशिएटिंग. एंड फिर थर्ड हमने देखा, अगर इंटरवल्स गिवन है तो हम कैसे कर सकते हैं.